बर्फ तो ऐसे गिर रही है जैसे मनाली को भगवान एंटार्क्टिका बनाने के मूड में है। बच्चे नहीं है तो फिर कौन है? कौन है यहां? कौन है? कौन है? है? इधर मत कर। क्यों? इधर मत जा। फिर मुझे मुझे साफ करना पड़ता है। मत। अच्छा मैं तुझे ही साफ कर दूँगी। तुम तो लड़ाई झगड़े बंद करो। डैड घर में ही है। अच्छा तो मैं डैड से गौतम की शिकायत करती हूँ। डैड देखिए ना इसे पूरा घर गंदा कर रहा है। डैड 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 Dad! Dad! Dad is no more. हेलो। हाँ वो लोग आ गए हैं और किसी भी वक्त घर पर पहुंचने वाले हैं। ठीक है किलोरी आ गए वो लोग तो नहीं आए लेकिन ये ताबूत कोई छोड़कर गया है और कोई यहां दिख भी नहीं रहा। ये जगन का ताबूत होगा लेकिन ये तो बच्चे लेकर आने वाले थे। हाँ पर बच्चे तो यहां नहीं है। जब मैंने दरवाजा खोला तो बस ये ताबूत यहां रखा था। तुम एक काम करो पूरब को फोन करो पूछो कहाँ है वो लोग। हाँ ये आवाज तो यहां से आ रही है। कॉफिन के अंदर से आवाज आ रही है। Oh my God. कुछ तो गड़बड़ है। पुलिस को फोन करो जल्दी। एक मिनट तुम पैनिक मत हो खोलकर देखते हैं ना। काम हो गया? Yes, boss. आज तो आप हमें शाबाशी दोगे boss. किसी को कोई शक तो नहीं हुआ? कोई शक नहीं boss. इतनी सफाई से लाश को ठिकाने लगाया है कि उनके रूहें कांप जाएंगे रूहें. ए, बस 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 आज तक तूने कोई काम ढंग से किया है? बात करता है मैं खुद चेक करूंगा।
क्या हुआ बॉस? मेरी किस्मत खराब थी जो मैंने तुझ जैसे निकम्मे को काम पे रखा। ऐसा क्या हो गया बॉस? ये देख, ये तेरा सफाई वाला काम। तू लाश ठिकाने लगाने गया था या अपनी पूछ लगाने गया था? तू पूछ? अबे पूरे रास्ते पर तू खून के निशान ला कर आया। CID वाले इसी पूछ को पकड़ कर हमारी गर्दन तक पहुंच जाएंगे। अरे तुझे कितनी बार बोला कि लाश ठिकाने लगाने के बाद सफाई पर सही से ध्यान दिया करो। बोला था ना, एक बार बात तेरे भेजे में नहीं घुसती क्या? बात करता है। अब क्या करे बॉस? क्या करे? मैं बताता हूँ तुझे, रुक। मन तो करता है ना तेरा खून भी इसी रास्ते पर बहा दूं। अरे शक्ल क्या देख रहा मेरी? ये मुसीबत को ठिकाने लगा और सफाई वही कर। जी बॉस। ए चल बॉस, चल, खुद भी मरोगे और मुझे भी मरवाओगे। चल। क्या संबंध क्या है आपका लाश के साथ? जी वो मेरा बड़ा बेटा था, अपने पापा की लाश लेकर आने वाला था और खुद ही। क्या इसका क्या मतलब? क्या है मतलब? ये कि इसके पति 2 दिन पहले ही मर गए थे हार्ट अटैक से, और जिसकी लाश पड़ी है पूरब, वो अपने पिताजी के पार्थिव शरीर को लेकर यहाँ आने वाला था भाई और बहन के साथ। भाई और बहन वो कहाँ है अभी? वो भी गायब है, उनका फोन तक नहीं लग रहा है। कहाँ से आ रहे थे वो लोग? एयरपोर्ट से, थोड़ी देर पहले ही उनकी फ्लाइट लैंड हुई थी, लेकिन वो लोग तो यहाँ नहीं पहुंचे, सिर्फ कॉफिन पहुंचा, वो भी पूरब के लाश के साथ। ये लो, मतलब बीच रास्ते में किसी ने कांड कर दिया। वैसे आपका क्या संबंध है जगन के साथ? कोई रिश्ता नहीं। मतलब? ये मेरे पति हैं। अच्छा अच्छा, मतलब दूसरी शादी है ये? सही बात बताई, ये पूरब इनकी एक्स हस्बैंड की लाश को लेकर इनके करंट हस्बैंड के घर क्यों आ रहा था? ये मेरा घर नहीं है, ये किलोरी का घर है। मतलब आप घर जमाई हैं? जी। खैर ये तो आपका निजी मामला है, आप ये बताइए कि ये लोग कहाँ से आ रहे थे और एयरपोर्ट पे इन्हें कौन रिसीव करने वाला था? जगन हमारे 3 बच्चों के साथ मनाली में रहते थे। 2 दिन पहले पूरब का फोन आया कि हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो गई है। मैंने पूरब को बोला कि उनके अंतिम संस्कार के लिए वो उन्हें यहाँ ले आए। एयरपोर्ट पे वो जैसे ही उतरे, वहाँ से उन्होंने एक प्राइवेट टैक्सी ली यहाँ आने के लिए, और उसके बाद। प्लीज आप मेरे दोनों बच्चों को ढूंढ निकालिए, माया और गौतम कहाँ है कुछ पता नहीं चल रहा। ठीक है, आप चिंता मत करिए, हम उन्हें जल्दी ढूंढ निकालेंगे। तो ये देखो, उनकी रेलगाड़ी लगती है। यस सर। निकित सर, देखो ये रेलगाड़ी कौन से स्टेशन से होके आई है। चलो भैया चलते हैं। चलते हैं भैया का क्या मतलब है? अपना मुंह दिखाने आया था तू यहाँ पर? मतलब ये है कि एक लाश पड़ी हुई है, उसका खून हुआ है, किसने खून किया है ये तो आप पता लगा ही लोगे ना। मानो आप लोग तो मेरा क्या काम है यहाँ? इसको नहीं बुलाऊं तो इसके कान में से धुआं निकलता है कि हमें बुलाया नहीं, ये तो यू केस सॉल्व कर देते, यू खूनी को पकड़ लेते। और अभी लाश को जूंगा तक नहीं और चल पड़ा। हाँ सूंघ लिया तो फिर? तो फिर मुंह खोल ना। लाश को सूंघने के बाद क्या पता चला ये बताने के बगैर सरपट भागे क्यों जा रहा है? देख फारूक, दो दो बच्चे गायब है, इस औरत के 2-2 बच्चे और ऊपर से बाप की लाश भी गायब है। लाश गायब है तो मैं क्या करूं? लाश बन के लेट जाऊं यहाँ पर? लाश ढूंढना आप लोगों का काम है तो ढूंढो ना, पूछो किसी से, ढूंढो ये कास्केट कहाँ से आया था, मैं क्या करूंगा इसमें? अच्छा तू जा। अरे एक मिनट सर, हमें इस केस में आपकी जरूरत है। आप देखो भैया, वो तो हर केस में तुम लोगों को मेरी जरूरत पड़ती है, पर तुम लोग मानते कहाँ हो? यार छोड़ो इसको। अरे सर प्लीज एक मिनट। अरे सारुंग साहब, आप अपने ज्ञान का प्रकाश डालिए ना इस केस पे। इसके चेहरे पर अंधेरा छाया, ये क्या प्रकाश डालेगा? तुम बोला? नहीं, ये हमारे आपस की बात है, तुम लगे रहो। ये ताबूत कहां से आया? ये लो,
एयरपोर्ट से। अरे तो एयरपोर्ट जाओ ना यार, यहाँ क्या कर रहे हो तुम लोग? तो जाएंगे ना सारंगे जी, पर आप क्यों मैदान छोड़ के भाग रहे हो? भाभी आपके हस्बैंड की लाश आ गई। नहीं, मेरे बेटे की लाश आई है। क्या क्या कह रही हैं आप? इतना सारा खून क्यों बह रहा है? मुझे क्या डर लगता है खून से? शांति प्लीज। ना खून इसलिए बह रहा है क्योंकि इनका खून हो गया है। वैसे आप ये मेरी बहन है और किलोरी की ननद। लेकिन भाभी इसमें पूरब की लाश है तो आपके हस्बैंड की लाश कहाँ है? सारुखी, अगर 5 साल के बच्चे की तरह मुंह बना के नखरे नहीं करता ना तो अब तो कोई सुराग मिल जाता तुझे। भैया ये नाक के अंदर छोटे छोटे दाने दिखाई दे रहे हैं ना, शायद यही एड्रेस। किसका? उनके हस्बैंड की लाश का। अरे तुम लोग कर क्या रहे हो? आज फिर किसी पैसेंजर का लगेज मिसिंग हो गया? तुम लोगों की वजह से किसी दिन गवर्नमेंट मुझे इस ऑफिस से मिसिंग कर देगी। ठीक से काम करो। यस सर। सर आप लोगों का भी कुछ मिसिंग हुआ है क्या? हम लोग सीआईडी से। हम यहाँ पर किस पैसेंजर्स के बारे में पूछताछ करने आए हैं। आज सुबह कनेक्ट एयरवेज से 3 लोग एक कॉफिन लेकर मनाली से मुंबई आए थे और वो 3 पैसेंजर्स ये लोग हैं। ये देखिए, ये पूरब, गौतम और ये माया। ये तीनों अपने पिता की लाश को कॉफिन में डालकर यहाँ लाए थे। जी हाँ सर, लाए तो थे। उस कॉफिन में इनके पिताजी की लाश थी जो इनके घर तक कभी पहुंची ही, बल्कि उस कॉफिन में पूरब कुमार की लाश पाई गई थी। ये कैसे हो गई? वही पता लगाना है। उसके साथ साथ गौतम और माया ये 2 बच्चे भी गायब हैं। सर मुझे तो लगता है वो लाश कहीं। एक बात बताइए, क्या इन 3 को कॉफिन के साथ कोई रिसीव करने के लिए आया था? नहीं सर। अच्छा एक काम कीजिए, आपके स्टाफ ने तो मदद की होगी ना कॉफिन को उनके गाड़ी तक पहुंचाने के लिए। जी सर। जरा उनको बुलाइए। जी सर मैं बुलाता हूँ। चंदन और बिहान को जल्दी अंदर भेजो। क्या हुआ सर? आज सुबह कनेक्ट एयरबेस से कॉफिन आया था। हाँ साहब। उसके बारे में सीआईडी वाले आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। सीआईडी साहब, हमने कोई गड़बड़ नहीं किया साहब, हम तो मतलब बस काम कर रहे थे साहब, हमने तो बस उस कॉफिन को उस गाड़ी में चढ़ाया था साहब। एक मिनट, तुमने कोई गड़बड़ नहीं की है, सिर्फ इतना बताओ कि जब तुम ये कॉफिन यहाँ से उनके गाड़ी तक ले जा रहे थे तो उस दौरान उसके बीच में कभी कोई मिलने आया था या कोई ऐसे कुछ भी हुआ था क्या? हाँ साहब, हम उन 3 को लेकर जब यहाँ से बाहर निकले, उनके सब जो लड़की थी ना उसको एक फोन आया सर। पता नहीं क्या बात हुई, फिर वो अचानक से कहने लगी पार्किंग में एक नीली वैन खड़ी है, ये कॉफिन वहां ले चलो। अच्छा वैन के ड्राइवर को देखा तुमने? नहीं साहब, वैन के ड्राइवर को तो नहीं देखा, लेकिन साहब वैन का नंबर मुझे याद है। गुड, तो नंबर दो। XY02-6813। सचिन पता लगाओ इस नीले रंग के वैन का। पूरब, गौतम और माया 3 बच्चे अपने पिता जगन की लाश को लेकर मनाली से मुंबई आते हैं। लाश को कॉफिन में लाते हैं बाय एयर। मुंबई पहुंचने के बाद वो अपनी मां को फोन करके बताते हैं कि वो मुंबई पहुंच गए और साथ साथ वो कॉफिन भी। मगर जब ये कॉफिन उनकी मां किलोरी के घर पहुंचता है तो कॉफिन में से निकलती है बड़े बेटे पूरब की लाश। जगन की लाश गायब है और उसके साथ साथ गौतम और माया 2 बच्चे भी गायब हैं। 3 के 3 गायब। सर हो सकता है कि जिस वैन में वो लोग लाश लेकर जा रहे थे वो वैन कहीं रुक गई हो और शायद वहीं पे कुछ हुआ हो। बस तो इसीलिए तो उस ड्राइवर की जरूरत है हमें। वो ड्राइवर कौन था, उस गाड़ी के बारे में डिटेल, वो सब कुछ चाहिए हमें। सर वैन के रजिस्ट्रेशन नंबर से मैंने मालिक का पता लगाया। फिर तो मालिक का कहना है कि वैन तो कुछ महीने पहले ही चोरी हो गई।
ये लो। सर इसका मतलब अब गौतम और माया की जान को खतरा है। बड़ी बारीकी से प्लानिंग की है, खतरनाक प्लानिंग की है। देखते अंकित कुछ मिला? हाँ बस ये देखो ये मिट्टी कॉफी के नीचे लगी हुई, इस मिट्टी में इस कॉफी का पता। मिट्टी में पता? हमें तो नहीं दिखा। उसके लिए सालूखे की नजर चाहिए। सरंखे कॉफिन का पता तो हम लगा ही लेंगे, पर पूरब की लाश इस कॉफिन में आई कहां से? ये पूरब की नाक बताएगी बॉस। हाँ सर कुछ पता चला? भाई अभी तक तो शक पर ही काम कर रहा है। शक दूर नहीं हुआ? हो गया, शक दूर हो गया। मुझे इसकी नाक में से पोलन्स मिले, पराग कण। सालुके साहब वो कैसे पता चला? फॉरेंसिक पोलनोलॉजी से। सालुके साहब ये क्या है? रेडी, ये फॉरेंसिक साइंस की एक अलग टेक्निक है। सर इसमें क्या होता है? निखिल इस टेक्नोलॉजी से हम बहुत छोटे पार्टिकल्स लाइक माइक्रो पार्टिकल्स को स्टडी करते हैं, जो कि फूल पौधे कपड़े मिट्टी ऐसे कई सारी चीजों में पाए जाते हैं। वाह क्या बात है तारिका जी, क्या नाम। लेकिन इसे बड़े ध्यान से देखना पड़ता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आवारा भंवरे एक फूल पर बैठ करके उसके सारे पोलन्स उसके सारे पराग कण चुरा करके भाग जाता है और पूरे के पूरे माहौल को गंदा कर देता है। सर पोलन जो है हवा और पानी से भी फैलते हैं, इसमें बेचारे खाली भंवरे को ही क्यों दोष दे रहे हैं आप? सही करो, बेकार में खाली भंवरे को दोष क्यों दें? तो होता यह है कि जब हम बाहर से आते हैं तो हमारे पूरे शरीर पर आंख नाक कान गले सब पर पोलन्स लगे होते हैं, और इन पोलन्स की जांच करके हम ये पता लगा सकते हैं कि ये खास व्यक्ति किस जगह से आया है। ये तो है, मैं बताता हूं। ये देखो यहां पर मैंने इससे पोलन्स ले लिए जो उसकी नाक में थे, और इन पोलन्स पे दो ड्रॉप मिथाइलमाइन की डालते हैं और इसे हम कर देते हैं सिक्योर। अब इसे चेक करके हमें पता लगा सकते हैं कि ये पोलन्स कैसे हैं, कहां से आए। ये देखो सर ये तो नारंगी कलर में उभर के आ रहा है। और अब इस आकार को हम हमारे डाटा के सैंपल से मैच करके देखेंगे ताकि पता लग सके कि ये पोलन किस टाइप का है। करके जरा मैच। हाँ। सर ये तो पोलन्स की पूरी लाइब्रेरी है। एक पोलन कहाँ पैदा हुआ, धरती पे कहाँ कहाँ पाया जाता है, पूरी डिटेल्स है इसमें। फॉरेंसिक साइंस की इस टेक्निक की वजह से क्राइम स्पॉट का पता लगाना बड़ा आसान हो गया है। मिल गया मैच। ये मैरीगोल्ड है जिसका हाइब्रिड नाम मरियासा गोल्ड 63 है। ये वैरायटी पूरे साल पैदा होती है और धानी खेत में पाई जाती है। धानी खेत
चलो कम से कम ये तो पता चल गया कि खून कहाँ हुआ है। सर यही है धानी खेत सर। फिर वैन यहीं पर लाया गया था। ये टायर मार्क्स तो हैं सर यहाँ पे। बस ये उसी वैन के टायरों के निशान। ये तो जगन की लाश खूनी ने यहीं कहीं फेंकी होगी। पर सर इतने बड़े खेत में हम उसकी लाश ढूंढेंगे कैसे? मैं बताता हूँ बस। तो कब बताएगा? क्या मुहूर्त निकलाना पड़ेगा? मैं बता रहा हूँ ना यार, उखड़ते क्यों? एक मिनट रुको। ये देखो, ये मैंने फूल के पोले निकाले। अभी मैं जिस दिशा में उड़ाऊंगा और उड़कर के जहां जाएंगे, समझ लो फूल भी उसी दिशा में हुआ है। लेकिन सर यहाँ तो हवा ना के बराबर है, ये कैसे पता चलेगा कि हवा किस डायरेक्शन में? ये मुर्गा बताएगा। मुर्गा? हाँ निखिल, मुर्गा। ये मुर्गा है ना, किसान लोग अपने खेत में अक्सर लगाते हैं। इस मुर्गे से पता चलता है हवा का रुख कहाँ पर है। जिस तरफ हवा चलती है ना, उस तरफ ये मुर्गा मुड़ता है और इसका फायदा होता है पेस्टिसाइड डालने में हवा के हिसाब से। सो उस तरफ देखते हैं। हाँ चलो देखो जरा आसपास कुछ दिखता है क्या। सर हाँ सर, वहां पे कोई लेटा है। चलो देखते। हेलो, ओ ये तो जगह नहीं सर। देखिए जगन की लाश हमें गेंदे के खेत में से मिली। क्या बता सकते हैं ऐसा? कौन कर सकता है, कौन मार सकता है जगन को, कौन मार सकता है आपके बेटे को? है किसी पर शक आपको? किसी के साथ उनकी कोई दुश्मनी थी है? मुझे किसी पर शक नहीं। कहीं ये मामला प्रॉपर्टी से रिलेटेड तो नहीं? अब हम पर क्यों शक कर रहे हैं? क्यों नहीं, जगन जी अमीर आदमी थे, मनाली में सेब के बाग थे, जमीन जायदाद थी। उनके मरने से और पूरब के मरने से और दोनों बच्चों के गायब होने के बाद प्रॉपर्टी तो आप लोगों को ही मिलने वाली है ना। देखिए सर, आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हो रही है। हमें तो ये भी नहीं पता था कि जगन के पास इतनी प्रॉपर्टी है, सेब के बगान है, और वैसे भी मेरी अच्छी खासी नौकरी है, अच्छी खासी कमाई है। मुझे और क्या चाहिए जिंदगी में? और मेरा तो इन सब से कुछ लेना देना ही नहीं है, मुझे तो प्लीज दूर ही रखिए। देखिए मैं अपनी फैमिली और अपनी वाइफ से बहुत खुश हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा तो आपके कहने का मतलब है जो कुछ भी लेना देना है वो किल्लोरी जी का लेना देना। देखिए सर, आप लोग मेरे बच्चों को ढूंढने के बजाय मुझ पर और मेरे परिवार पर शक कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, नहीं किल्लोरी जी, हम आप लोगों पर कोई इल्जाम नहीं लगा रहे। किल्लोरी जी, हम तो बस सच्चाई जानने की कोशिश कर रहे। ऐसे एक बात जरूर कहूंगा आप लोगों को, सच्चाई आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। सारिका, इस ताबूत के ये निचले हिस्से में जिस तरीके के निशान लगे हुए हैं ना, उससे तो लगता है इस ताबूत को काफी दूर तक घसीटा गया है। तुम एक काम करो, जो ताबूत पर जगह जगह मिट्टी लगी हुई है, इस मिट्टी का सैंपल ले लो। ये मिट्टी बताएगी कि ताबूत कहाँ से आया। मगर सर खून कहाँ हुआ है वो तो हमें पता चल गया है ना। हाँ तारिका, ये पता लग गया है, लेकिन वो वैन, उस वैन के बारे में कुछ पता नहीं लगा है। जिस वैन में ये खून हुआ है, जिस वैन में से एक लाश गायब हो गई, उसके बारे में कुछ नहीं पता है। एक काम करो, इस मिट्टी का सैंपल ले लो, फिर इस मिट्टी को हम बॉम्बे के सॉइल मैप से मैच करके देखेंगे। लेकिन सर मुंबई के सॉइल मैप की कौन सी मिट्टी का फैलाव कहाँ तक है, ये हमें कैसे पता चलेगा? You trust me, ना? Cause
तो फिर सैंपल ले लो, पता लगेगा। बिलीव मी। अरे सालू के साहब, फिर से पढ़ाई शुरू कर दी आपने? भाई क्या करें, तुम लोगों की मदद करने के लिए पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। अरे लेकिन ऐसा है क्या इस ताबूत में जो इतनी मोटी किताब की जरूरत पड़ गई? इस पढ़ाई की जरूरत क्यों पड़ी ताबूत बताएगा। वो कैसे? कॉफिन में मिले इस मिट्टी का हम सेडिमेंटेशन टेक्निक से एनालिसिस करेंगे, उससे सब पता चल जाएगा। ये तो घास जैसा कुछ लग रहा है। देखो, अब देखो, ये घास नहीं है, ये मोलासेस है, गन्ने के वेस्ट से जो निकलती है, जहां पर गुड़ बनता है। मतलब ये ताबूत वहां पे ले जाया गया था जहां पे गन्ने से गुड़ बनाया जाता है, शुगर फैक्ट्री। सर मुंबई के आसपास दो चार शुगर फैक्ट्री हैं। अच्छा सालू के साहब, ये मिट्टी किस एरिया की है कुछ पता चल सकता है? हाँ बिल्कुल पता लग सकता है। इस मिट्टी में 40% सैंड है। और इतनी सैंड परसेंटेज वाली मिट्टी मुंबई के बाहर गन्ना कावड़ी वाले इलाके में लगभग 30 किलोमीटर के एरिया में पाई जाती है। पर ये मिट्टी ज्यादा रेत और ज्यादा आयरन होने की वजह से काली दिखाई देती है। सचिन पता करो उस एरिया में कोई शुगर मिल है क्या। चंगनलाल शुगर मिल, यहां तो लोग आ जा रहे हैं चहल पहल है, यहां पे खून ही खून करके कैसे निकल गया? और तो लाशों की अदला बदली भी की है। डॉक्टर सालुंके ने शुगर मिल की बात की थी और यहाँ आसपास 30 किलोमीटर तक यही एक शुगर मिल है, हो ना हो खून हुआ तो यही है। चलो इससे पूछते हैं। अरे सुनो। जी। तुम यहाँ के सिक्योरिटी वाले हो? जी हाँ। हम लोग सीआईडी से तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। सीआईडी साहब क्या बात है, हमको माफ कर दो, हमारी कोई गलती नहीं है। देखो घबराओ मत, हमारे कुछ सवालों का जवाब दो। क्या तुम यहाँ पर अकेले ड्यूटी पर होते हो या और भी कोई है जो शिफ्ट में आते जाते हैं? हम पूरे टाइम अकेले काम करते हैं। तुम ये बताओ और अपने दिमाग पे जोर डाल के बताओ कि तुमने कोई ताबूत देखा है? काहे डरा रहे हैं, यहाँ ताबूत कैसे देखेंगे? ठीक है ताबूत नहीं देखा, किसी नीले रंग के वैन को देखा जिसपे शक हुआ हो तुम्हें? साहब वैसे तो हम सब पे शक करते हैं लेकिन नीले कलर की गाड़ी क्यों नहीं देखे है साहब, आप समझ रहे हैं ना? अच्छा चलो एक बात बताओ, यहाँ पर ऐसी कोई और भी खाली जगह है गोदाम जैसी? हाँ साहब, एक पुराना गोदाम है हमारे मालिक के, चलिए दिखाते हैं। चलो दिखा दिखा। चलिए आइए साहब, ये है पुराना गोदाम। तुम जरा बाहर जाओ। ठीक साहब। गेट तो काफी बड़ा है। हाँ वैन आसानी से घुस सकती है। जगह को देख के लगता है कि काफी समय से कोई आया नहीं है यहाँ पे। काफी समय से कोई आया नहीं है यहाँ, तो फिर ये बोरिया इसी रखी कैसे गई? और ये ऊपर से टारपोलिन, जरा देखो तो नीचे क्या है। ये देखा, ये
क्या है? क्या बात है सर, यहाँ पे तो पूरे वैन को ही दफना दिया है। और ये देखिए वही नंबर है XY026813। चेक करो देखो। My God, इतना सारा खून लगता है 24 घंटे से ज्यादा पुराना है। अभिजीत, लाश इसी वैन में से ले जाई गई है। काम करते हैं, पूरी की पूरी वैन को फॉरेंसिक लैब भेजते हैं। मिला कुछ? हाँ तारिका, मिला तो है बहुत कुछ, लेकिन जो कुछ मिला है उससे हम खूनी को सजा तो दिलवा सकते हैं, लेकिन बच्चों तक नहीं पहुंच सकते। सर टाइम बहुत कम है हमारे पास, कहीं बच्चों को नहीं तारिका, बच्चों को कुछ नहीं होने दूंगा, लेकिन सबसे पहले हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि गैराज में डंप होने से पहले ये वैन आखिरी बार कहाँ होकर के आई। तो ये कैसे पता लगाएंगे हम? हमने पूरी वैन छान मारी है। तुमने वो कहावत सुनी है, किसी जेंटलमैन को देखना हो तो सबसे पहले उसके जूतों की तरफ देखो। हम भी इस गाड़ी के जूतों की तरफ देखें। मतलब साफ है तारिका, सिंपल, हम इस वैन के टायरों को चेक करेंगे। तारिका, ये वैन जहां से भी होकर आई है उस जगह की मिट्टी के कण इसके टायरों पर चिपके होंगे, और वो बताएंगे कि वैन कहां से होकर गया। करेक्ट, yes. करेक्ट। हाँ। सर एक फोर्से पता क्यों मिश्रा? हाँ सर, अभी देते हैं। हेलो। हाँ तारिका जी। हाँ अभिजीत। उस वैन में से कुछ एविडेंस मिला? हाँ मिला तो है, लेकिन मुझे नहीं पता क्या मिला, ऐसा बता ही नहीं रहे। अरे क्यों, डॉक्टर साहब हैं कहाँ? यहीं पे हैं, कूद रहे हैं, गॉट इट कर रहे हैं। अरे उन्हें ऐसा क्या मिल गया कि जो बरसात के मेढक की तरह कूद रहे हैं? पता नहीं, मुझे कुछ नहीं बता रहे, तुम ही बात कर दो। सर। हाँ अभिजीत। ओ अभिजीत, आज भाई साहब। भैया वो मैसेंजर हमें मिल गया है जो हमें गौतम और माया का पता बताएगा। क्या सफेद रंग का एरो बनाया है पेड़ पे? अच्छा ठीक है, ढूंढेंगे। और वैसे वहाँ पोजीशन क्या है? यहाँ की सिचुएशन तो कंट्रोल में है, लेकिन हमारे सामने जो नजारा है उसे देखकर तो हमारे होश ही उड़ गए सर। कोई बात नहीं, हम लोग पहुंच जाएंगे जल्दी। क्या कर रही है श्रेय, सब ठीक है सर? कह रही है कि वहाँ पे नजारा ऐसा है कि जमीन खिसक जाएगी पैरों के नीचे से। सर हमें जल्द से जल्द वहाँ पहुँचना होगा, पर लोग बहुत कम है, कहीं हाथ से निकल ना जाए। आप लोग कोई बताएंगे क्या हो रहा है? कैसे हैं मेरे बच्चे, ठीक तो है?
प्लीज कुछ बताइए। मैम जरा धीरज रखिए, सब कुछ पता चल जाएगा। कुछ बताया होगा ना फोन पे उसने, आखिर हमारे बच्चे मिले कि नहीं मिले कुछ तो मालूम होगा ना। देखिए अभी कहने सुनने से कुछ नहीं होगा, जो भी है वहाँ पे चलने के बाद ही पता चलेगा। अरे पता तो तब चलेगा जब वहाँ पहुँचेंगे। अगर भालू शेर चीतों को पता चल गया ना कि हम लोग यहाँ हैं, तो दुनिया में किसी को हमारा पता नहीं चलेगा। आप फिक्र मत कीजिए प्रीति जी, आजकल इंसान जानवरों से ज्यादा खतरनाक हो गया, हो सकता है वो आपको देख के भाग जाए। अरे उन्हें चिल्लम चिल्ली की आदत नहीं है, जरा शांत रहिए आप। क्या एक एक मिनट, श्रेया वो सफेद निशान वाला पेड़ मिल गया। सर उस पेड़ से राइट लेकर 200 मीटर स्ट्रेट आ जाइए। 200 मीटर राइट में, चलिए जल्दी चलिए। कोई मुझे बताएगा हो क्या रहा है, मेरे दिल बैठा जा रहा है, कहीं मेरे गौतम और माया को कुछ हो तो नहीं गया। बस बस और नहीं चला जाता, अब नहीं चल पाऊंगी। देखिए पीछे छूटने वालों को जानवर छोड़ते नहीं है, लंच या डिनर में खा लेते हैं। मैं आगे जाती हूँ ना, आप लोग मुझे फॉलो करिए। संभाल के, संभाल के। आश्रय सर वो देखिए सर, माय गॉड, जल्दी से बच्चों को नीचे उतारो। हे भगवान क्या है, चल गए। ये क्या मजाक है सर, जब आप लोगों ने देखा कि ये लोग यहाँ आए थे इन्हें छुड़वाया क्यों नहीं, नीचे क्यों नहीं उतारा सर। बचा लो मेरे बच्चों को। आया घबराओ मत, अब भेजो भेजो उसको। बंद कीजिए अपना नाटक, हमारी इस हालत के जिम्मेदार आप ही हैं। बच्चे कहते हैं ना हमें, तो क्यों डाला अपने बच्चों को मौत के मुंह में। तो अच्छा हुआ सीआईडी टाइम पे आ गई, वरना आपने भैया की तरह हमें भी मार दिया होता। क्यों खिलौरी जी, ये बात क्या है, बच्चे आप ही पर इल्जाम लगा रहे। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं तो इन लोगों से इतना प्यार करती हूँ, मैं क्यों मारूंगी इन लोगों को। बात तो सही है, सवाल जायज है, एक माँ अपने ही बच्चों के साथ ऐसे कैसे कर सकती है। निखिल तुमने तो छुपने की बहुत कोशिश की और उस कीड़े ने हमें यहाँ का पता बता दिया। ये लोग कौन है सर? अरे मैडम कुछ पूछ रही, बताओ या और खातिरदारी करें। हमने और खातिरदारी की जरूरत नहीं है। देखिए साहब पहले मुझे इमरजेंसी वार्ड में भर्ती करा दीजिए, हड्डियों से बड़ी अजीब अजीब आवाजें आ रही है साहब, तो मुझे दिन में ही चांद तारे नजर आ रहे हैं सर, ऐसा लगता है जैसे मैं अंतरिक्ष में। चुप, मुंह खोलो अपना जल्दी। कहाँ फंसा दिया तुमने हमें? मैं नहीं फंसाया, मैं तो इन लोगों को जानती तक नहीं हूँ। आप नहीं, वो भाई साहब। दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम लोगों का, क्या बोल रहे हो तुम? हाँ मैं वाकई आप मल्टी टैलेंटेड है, हस्बैंड कम किडनैपर कम मर्डर ऑल इन वन, क्या बात है। विक्रम तुम भैया क्यों किया तुमने ये सब? और क्या करता, इसके तीनों बच्चे मेरे छाती पे सांप की तरह लौट रहे थे। विक्रम तुमने बोला था कि तुम हमारे बच्चों को मुझसे भी ज्यादा प्यार करोगे और तुमने मेरे एक बेटे को मार दिया और बाकी दो को मारने की साजिश की। जिस मकसद के लिए मैंने तुम्हें फंसाया उस पर तुमने पानी फेर दिया,
तुम्हें फंसाने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद था, तुम्हारी प्रॉपर्टी, तुम्हारा पैसा। लेकिन तुमने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने बच्चों के नाम कर दी। क्या करता मैं? और तो और, तुम अपने पुराने पति से भी मिलने जाती थी। तुमने कभी सोचा कि मेरे अंदर क्या होता था? मैंने एक दिन डिसाइड कर लिया, तुम्हारी पुरानी फैमिली को ही तुम्हारे रास्ते से हटा दूंगा। और इसीलिए सबसे पहले तुमने जगन को रास्ते से हटाया, क्यों? हाँ, इसलिए मैंने अपने रास्ते से सबसे पहले अपने पहले कांटे को हटाया, जगन को। अपनी पत्नी को झूठ बोला कि मैं बॉम्बे से बाहर जा रहा हूं, और एक दिन सोचा था जगन के मौत के बाद तुम्हारा झुकाव तुम्हारे बच्चों के लिए कम होगा, लेकिन मैं गलत था, तुम्हारा तो और बढ़ गया। और तो और, तुमने उन्हें साथ रखने का फैसला कर लिया। पर यह बात तुम्हें बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए तुमने इन दोनों को भी रास्ते से हटाने का फैसला किया, क्यों? विक्रम, मैंने तुम पर इतना भरोसा किया, तुमने सब बर्बाद कर दिया। मैं तुमसे नफरत करती हूँ, नफरत। जायदाद की लालच में आके तुमने जो मौत का खेल खेला है, उसका अंजाम भी मौत है। फांसी होगी तुम्हें, फांसी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।